नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, बाइसेक्शन मेथड के ऊपर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और फाइंड आउट करेंगे इसके रूट्स और बाइसेक्शन मेथड को और अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस 5x माइनस 7, और हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। और क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला गया है कि जो हमारे इक्वेशन के रूट्स हैं वो 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं, तो हम सीधे ही बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रेशन अपना फाइंड आउट करेंगे एंड दैट विल बी 2 + 3/2। बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि क्लियरली हमें बोला है कि हमारा रूट 2 और 3 के बीच में है। वैसे आप ये चेक कर सकते हैं क्योंकि 2 पे आपका जो वैल्यू आपको मिलेगा इक्वेशन का वो नेगेटिव है एंड 3 पे जो आपके इक्वेशन का आपको वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे दो नंबर्स लेते हैं जिनमें एक पर आपके फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरे पर आपके फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, तो हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि हमारा रूट इन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो अगर आपने प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब 2.5 पे हम चेक करेंगे कि हमारे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। दोस्तों स्लाइड में एक हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, उस पर लिख लेते हैं कि हमारे रूट का पोजीशन किधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो इससे हम भूलते नहीं हैं और याद रखने में आसानी होती है। यहाँ आपको वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब जो आपका रूट है वो 2.5 एंड 3 के बीच में लाया करता है, ठीक है। फिर से हम बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से नेक्स्ट रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी हमारा x1 क्या हो जाएगा, 2.5 + 3/2, एंड जो हमें वैल्यू यहाँ से मिलेगी हम उसे फिर से फंक्शन में रखेंगे, चेक करेंगे वैल्यू हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हमें हमारा आंसर 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है वहाँ तक रिपीट होना शुरू ना हो जाए, ठीक है। तो मैं यही प्रोसीजर बार बार फॉलो करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा रूट अब 2.7
2.34375 एंड 2.75 के बीच में लाई करता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे कि आपकी एक डिजिट रिपीट होना शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आप और इटरेशंस परफॉर्म करेंगे तो आपकी आगे वाली डिजिट्स रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं फिर से कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आपको अपना आंसर कितने डिजिट्स तक एक्यूरेट चाहिए। मान लीजिए एक डिजिट तक अगर हमें चाहिए तो हमारा आंसर यहीं पे हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा डिजिट पे चाहिए, मान लीजिए आपको 3 डिजिट्स पे चाहिए या 4 डिजिट्स पे चाहिए, तो आपको और परफॉर्मेंस और जो इटरेशंस हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रोसीजर आपका बार बार सेम रहेगा, ठीक है, जो अभी तक हमने फॉलो किया है। तो इसको यहीं छोड़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।